बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीईडी, बीएड, बीए, बीकॉम और बीएससी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास महर्रा ललितपुर। कोरोना आपदा के बीच क्यों जगह से मरीजों को समस्याएं, ऑक्सीजन की कमी जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं और अस्पताल के भीतर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी बाहर तक नहीं मिल पा रही है। यही बीच में सागर के शहर विधायक शैलेन जैन ने पहल करी और खुद पीपीई किट पहन के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर पहुँचे और इतने मरीजों से सीधे आमने सामने बात करी। शैलेन जैन ने मरीजों को आश्वासन दो कि व्यवस्थाएं ठीक रहें और उनसे समस्याएं भी जानी और लगातार मरीजों से संवाद की बात भी करी। इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो परिजन मरीजों के परिजन बाहर हैं और जिन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो मुख्यतः जो मुझे ध्यान में आया कि मेन जो समस्या है वो जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव में तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह के विचार जो है जो हमारे परिजनों के मन में आते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन करने के लिए भौतिक सत्यापन के वास्तव में जो वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, और अगर सही है तो उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, सुविधाओं में और इजाफा क्या कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ लोग जो हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आते हैं, तो वो सारी समस्याओं को देखने के लिए, वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए, डॉक्टरों की भी बातचीत सुन के, मरीजों से बातचीत करके हमने इस तथ्य पे पहुंचा हूं कि मैंने 8 मरीजों से बात की। 8 मरीज में से एक मरीज जो महिला है, अपने सिंधी कॉलोनी की है, वो उन्होंने ज़रूर थोड़ी नेगेटिव बात कही, हाँ कोई नहीं आ रहा है, कछु नहीं हो रहा है, इस तरह की जनरल बात। मैंने विधायक जी से हेल्प मांगी क्योंकि मेरी मम्मी 3 दिन से आईसीयू में और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, सो आई जस्ट वांट कि उनको प्रॉपर केयर मिल सके, डॉक्टर्स जो है वो रेगुलर चेकअप करें और स्टाफ पूरे टाइम ख्याल रखे, क्योंकि इस टाइम पर उनको बहुत ही सख्त केयर की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर मिल नहीं पाती है, या फिर कहीं भी स्टाफ से कोई कमी ना रहे। मेरी बस इतनी गुजारिश है सर से कि वो स्टाफ को बोले कि पूरे टाइम अटेंडर वहाँ पर रहे और उनको टेक केयर करें। CCTV जो अंदर लगाने से इसका असर ये हुआ कि जो है दूसरे मरीज किसी अवस्था में पड़े हैं या कपड़े उनके ठीक ठाक नहीं हैं कवर, तो एक थोड़ा सा अशोभनीय दृश्य भी सामने दिखेगा, और दूसरा सीरियस मरीज को देख के जिसका मरीज थोड़ा सा ठीक है उसको भी घबराहट होगी, बट उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि वो एक एक करके हम वीडियो कॉलिंग इनकी कराएं मरीज से के परिजन। आपदा संकट के दौर में एक तरफ सरकारों की व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्तीकरण की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों को भी आगे आके व्यवस्थाओं पे नज़र रखने की ज़रूरत है। सागर से कृष्णकांत नगा, इस बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।